नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे UGC नेट का जो फॉर्म आया है उसको कैसे भरते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, फ़ोटो सिग्नेचर उसमें कैसे अपलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आ गए हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे ही यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो NTA UGC नेट जून 2020 ऑनलाइन फॉर्म, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो इसके पहले हम थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी देख लेते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल की 1000 है, OBC की 500 है, SC ST PH की 250 रुपये हैं, जो कि आप ऑनलाइन किसी भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हैं। डेट अभी तक इसकी अप्रैल थी, 16-15 अप्रैल थी, अब ये बढ़ के हो गई है 16 मई तक। और जो डेट में हम इसके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आज 14 अप्रैल है। और एज लिमिट तो जैसा ही देख रहे हैं आप, 30 साल तक है यहाँ पे, और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, JRF के लिए 30 साल होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप पास हो या फिर अपेयरिंग हो PG में, और मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर लगभग 100 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। मैं इसको ना डिस्कस करके आगे चलता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे उसके बाद आएंगे सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे वही जो दिया हुआ है बेसिक डिटेल, थोड़ा बहुत फीस उसके बारे में और फोटोग्राफ। चलिए इसके मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा। तो पहले पहले मैं रजिस्ट्रेशन पे आता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पे माता जी का नाम डालना है, फिर यहाँ से डेट, पहले डेट ऑफ बर्थ में अपनी तारीख है, और यहाँ से महीना चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से आप कोई ID एक चूज कर लीजिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ से हम आधार कार्ड तो यहाँ पे दिया नहीं है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विथ फोटोग्राफ। हाँ, तो आधार कार्ड इस पे चल जाएगा, तो मैं यही डाल देता हूँ। और फिर यहाँ से, और ये आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, तो यहाँ से हम चल के आधार कार्ड नंबर दे देते हैं। और यहाँ से हम इसे जहाँ से जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल जो हो। उसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ हम डालेंगे, और डालने के बाद एक बार चेक कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें एड्रेस डालना है, और उसके बाद यहाँ से आपको एंट्री, फिर यहाँ से स्टेट आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ से आएंगे, जिला चूज कर लेंगे, फिर आपको पिन कोड डालना है, जो पिन कोड हो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ से आप मोबाइल नंबर डालेंगे। पासवर्ड में आपको ध्यान देना है कि आपका पासवर्ड 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक अल्फ़ाबेट में जो है कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ,
कहाँ पे, यहाँ पे मैं प्रिंट में खोल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मेरा नाम अंकित है, मैं पहला अक्षर कैपिटल करूँगा, फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ जिससे दिक्कत ना हो आपको, कोई लगा लेता हूँ, ये लगा लिया। पहला अक्षर है NKIT, हो गया। अब इसमें दो अक्षर भी कैपिटल कर सकते हैं, लेकिन एक अक्षर आपके पास कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद एक स्मॉल होना चाहिए। फिर उसके बाद @1 2 3 जो मन हो आपको, कुल मिला के 8 करेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह आपको फॉरवर्ड बनाना है। एट द रेट की जगह पे देखिए दिखा रहा है, आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। एट द रेट यूज कर सकते हैं, हैज यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, स्क्वायर का साइन यूज कर सकते हैं, एंड का कर सकते हैं। इस तरह के साइन आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा एट द रेट पसंद आता है, तो मैं एट द रेट यूज करता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड हम डाल लेंगे, फिर दोबारा डालेंगे। ध्यान देना है आपको जो पासवर्ड का फॉर्मेट है, यहाँ पे जैसे हैज डाल दीजिए या फिर एट द रेट डाल दीजिए, इसे करके बना सकते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ जिससे साफ दिखे आपको। ये देखिए पूरा नहीं चेंज हुआ, ये इस तरह के फॉर्म में आपको पासवर्ड इसका बनाना है। और इसके बाद यहाँ से आपको कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है, यदि आप पासवर्ड भूलते हैं तो आप वहाँ से डाल दें। तो मैं डाल देता हूँ फेवरेट बुक, यहाँ से डाल लेता हूँ। तो क्या डाल दूँ, गीता डाल देता हूँ। उसके बाद A4 कैप्चर कोड यहाँ से हमें डालना है और इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए कह रहा है, तो आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, जिससे दो फॉर्म में जो है कहीं गड़बड़ी ना रहे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से इसे चेक कर लीजिए। ठीक है, हमने सारा कुछ देख लिया है। और इसके बाद यहाँ पे आपको सब पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है कि हाँ हमारा जो जो हम फिल किए हैं वो सब हमारा सही है। इसको फिल करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके और फाइनल सबमिट करना है। अगर कुछ यहाँ पे आपको गलत लग रहा है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी करके रख लेंगे। और इसके बाद फिर आएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, एक बार यहाँ से फिर देख लीजिए। और इसके बाद पूछ रहा है आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन फैमिली विद विदाउट ब्रदर या सिस्टर, तो यहाँ पे हमें नो करना होगा क्योंकि हमारा ये हमारी सिस्टर का फॉर्म है। आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन फैमिली विदाउट ब्रदर या सिस्टर, तो नो कर देंगे, सिंगल नहीं है। उसके बाद कैटेगरी में यहाँ डालना है OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। उसके बाद फिर PWD यहाँ से नो डालना है। डायबिटिक नो कर देना है, बिलोंग टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक उनके लिए होता है जो मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं उनके लिए। और सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ से हमें इकोनॉमिक्स फिल करना है जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है। और अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो दोनों पे कर देते हैं। फिर पूछ करेगा आपको सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, तो यहाँ से हमें इकोनॉमिक्स इसी पे चूज करना होगा क्योंकि ये इसी में सिर्फ दिया हुआ है। उसके बाद एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है, एग्जाम पहले इसमें स्टेट चूज करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सेंटर आएगा।
मैं देखता हूँ मेरे रायबरेली में है या नहीं है। रायबरेली में नहीं है तो मैं इसमें पहला सेंटर इलाहाबाद प्रयागराज चूज करूँगा। फिर दोबारा स्टेट चूज करना है और उसके बाद लखनऊ, फिर स्टेट चूज करना है। उसके बाद कानपुर देखता हूँ, कानपुर है। कानपुर के बाद फिर स्टेट चूज करना है और यहाँ से फिर वाराणसी चूज कर लेते हैं। फिर आपको जाना है पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है, पास्ट अपेयरिंग जो हो। तो हमारे पास जो यहाँ पे पास्ट की मार्कशीट है, हम पास्ट फिल कर देंगे। और कोर्स मास्टर ऑफ आर्ट यानी एमए है, तो एमए पे क्लिक करना है। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म दिखा रहा है यानी कहाँ से आपने किया है, तो यहाँ से हमें इंडिया या फिलहाल हम लोगों का इंडिया ही होगा। और यहाँ से आएंगे स्टेट, यू टाइप कर देंगे तो सीधे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। बोर्ड है हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो छत्रपति कानपुर देख लेता हूँ क्या है, कानपुर से आ रहा है। CS, इससे भी नहीं आ रहा। C डॉट से भी नहीं आ रहा है, देख लेते हैं पूरा खोल के ही। इससे सेंट्रल छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज, हाँ एक ही आ रहा है, यही होगा। और उसके बाद यहाँ से पासिंग ईयर या पेयरिंग, तो यहाँ पे पासिंग ईयर हो गया 2019। रिजल्ट मोड परसेंटेज, यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन भरना है इसमें। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन है, सिक्स फाइव नाइन, टोटल ऑफ 11,00। और उसके बाद यहाँ से ऑलरेडी डॉक्टोरल स्टूडेंट, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में कुछ है नहीं। वेदर यू पास रिसर्च एक्सपीरियंस सब्जेक्ट, वेदर यू पास रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, तो है तो यस, नहीं तो नो कर देते हैं। ये डॉक्टोरल दिया है यानी जो जो इसके पहले पीएचडी कर चुके हैं किसी सब्जेक्ट से, उसके लिए है। और एम फिल पास या पेयरिंग, ये भी नो कर देते हैं। पीएचडी भी नो। वेदर आर यू एन सर्विस मैन, ये भी नो रहेगा। फिर उसके बाद कैप्चर कोड में उसको भर के सबमिट कर देंगे। फिर आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा जल्दी से, और प्रोफेसर इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया, इलाहाबाद लखनऊ कानपुर बनारस, और ग्रेजुएशन इंडिया 2019, 659, 11। उसके बाद सीधे हमें सब पे क्लिक कर देना है। जल्दबाजी नहीं करनी, आपको फॉर्म को अच्छे से देख के फिल करना है। और उसके बाद सीधे आई एग्री पे क्लिक करके, ये छूट गया था कैटेगरी वाला, इस पर क्लिक करके सीधे फाइनल सबमिट कर देना है। फिर आता है अगला स्टेप अपलोड फोटोग्राफ का, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है फ़ोटो की जो साइज़ है 100 से 200 KB के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। लेकिन इसकी जो कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो हम देख लेते हैं।
इसके जो नोटिफिकेशन में दिया है कि फोटोग्राफ जो है आपका 1 मार्च 2020 के बाद का होना चाहिए, और यदि उस पर नाम और डेट ऑफ फोटो खींचने की जो है डेट लिखी होगी तो बहुत अच्छा ही होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, और दिखा रहा है कि फोटोग्राफ शुड नॉट बी, मतलब फोटो पे आप उसमें टोपी वोपी लगा के चश्मा लगा के फोटो आपको नहीं खिंचाना है। यदि आप परमानेंट यूज करते हैं चश्मा तो अभी आप लगा के उसको यूज करेंगे। और इसके बाद सिग्नेचर ब्लैक्स दिखा रहा है कि आपको ब्लैक इंक से करनी है सिग्नेचर। तो चलिए हम अपने पहले हम चलते हैं यहाँ से। हमने एक फ़ोटो खींची हुई है, पहले इसको हम क्रॉप कर लेंगे। कोई फ़ोटो आप अच्छे से खींच के इसको क्रॉप कर लीजिए। तो हम यहाँ से इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा हमें ब्राइटनेस लानी है, तो यहाँ से देखते हैं ऑटो करेक्ट करके। हाँ लगभग ठीक है, तो इसको हम यस कर देते हैं। फिर हमें इसको जो है ओपन करना है किससे, पेंट से। पेंट में ओपन करके हमें देखिए हमारा इमेज थोड़ा साइज इसका बड़ा दिख रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल और माउस का जो रोलर बटन है उसको दबा देंगे छोटा करने के लिए। अपनी तरफ थोड़ा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम ऐसे करेंगे, या फिर यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए इसको हमें ऐसे कर लेना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। फिर हमें अल्फ़ाबेट के ए पे जाना है, और यहाँ से हमें कैंडिडेट का नाम लिखना है। फॉन्ट मेरा भी गड़बड़ा रहा है, मैं इसको चूज चूज कर लेता हूँ दूसरा कुछ। एरियल में कर लेता हूँ। यहाँ से नाम लिखना है, उसके बाद फोटो खींचने की डेट लिखनी है। तो 1 मार्च के बाद मैं इसमें देखिए 15 तारीख से फॉर्म शुरू हुआ है, तो मैं इसमें 17 16 तारीख डाल दे रहा हूँ। चलिए मैं इसमें 18 तारीख डाल दे रहा हूँ, 18 मार्च 2020। अपने इच्छा अनुसार जो डेट डालना चाहें वो डाल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन 22 तारीख से शुरू हो गया था, तो उसके बाद से दुकानें बंद हैं, तो इसीलिए हम 1 2 दिन पहले का डेट डाल दे रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से इसका फॉन्ट आप बढ़ा घटा सकते हैं, इसलिए यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ। नाम भी थोड़ा सा अगर बड़ा हो तो 36 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको यहाँ से आप जो मन हो लिख भी सकते हैं, तो यहाँ से मैं इसको 30 कर दे रहा हूँ, 32 करके देखता हूँ, 32 पे भी ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल 32 से हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद इस पर हम इसको माउस बाहर कर देंगे, ये इस पर लिख जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इस पे जाइए, यहाँ पे ब्लैक रहने दीजिए, और यहाँ पे माउस का हल्का सा थोड़ा सा छोड़ के रखना है कर्सर, और यहाँ से आपको ऐसे बॉर्डर लगा देना है। इसके बाद आपको यहीं से या तो इसी पे आप सीधा सेव करिए, या फिर सेव एज, इसे मैं सेव एज करके वहीं पे, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, सेव भी कर सकते हैं, सेव कर दीजिए, उसी पर रिप्लेस हो जाएगा ये, क्योंकि हमें दूसरी फाइल नहीं चाहिए, हम जो बना रहे हैं हमें वही फाइल चाहिए। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो तैयार हो गई, 64 KB की है, 200 KB के अंदर है। और उसके बाद देखिए सिग्नेचर हमने फ़ोन से खींचा हुआ है, तो इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, 420 KB के है, तो इसके मैं साइज़ को मैं यहाँ से घटा लूँगा। लगभग मैं इसको कर लेता हूँ स्मॉल साइज़ में, या फिर सीधे छोड़िए, वहाँ से परसेंटेज के हिसाब से मैं घटा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ है, इसको मैं 30 30% कर लेता हूँ। तो ये हो गई छोटी थोड़ा सा। फिर देखते हैं इसमें बहुत कालापन है, तो इसके लिए मैं एडिट पर जाऊँगा, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, बढ़ा के इधर से, इससे कालापन बैकग्राउंड हट जाए। या फिर इसे आप देखते हैं वहाँ से डायरेक्ट करके, यहाँ से तो करने पे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। ज़्यादा ब्लर ना होने पाए तो उसी हिसाब से आपको बढ़ाना है, ठीक है, मेरा सही है। फिर उसके बाद अब यहाँ पीछे साइड साइड जो कालापन आ रहा है,
इसको हम पेंट से खोल के यहाँ से लेंगे रबड़। इसको बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिए, ऐसा काटिए कि पता ना चले कि यहाँ से हटाया गया है, जो लाल वाला दिख रहा है इसे हटा देंगे। इसके बाद सेव करके फिर इसे हम खोलेंगे पिक्चर मैनेजर से। अब ये 26 KB का है और देखते हैं लोड होता है या नहीं। साइज़ तो हमारी ठीक है, क्योंकि 30 KB के अंदर है। अब यहाँ से हम फोटो पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे रखे हैं हमारे पिक्चर में रखे हुए, तो यहाँ से जाएंगे, इसे चूज कर लेंगे। ये देखिए 18 मार्च 2020। उसके बाद यहाँ से आएंगे, सिग्नेचर चूज करेंगे। सिग्नेचर में आपको काला सा लिखना है, सिग्नेचर में चूज कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से कैप्चर कोड डाल देना है, फिर आई हैव अपलोड इमेज केयरफुली यहाँ पर दिखाना है, क्लिक करके अपलोड कर देना है। पूछ रहा है डू यू विश टू अपलोड इमेज फाइनली। अब एक बार देख लीजिए, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, यस कर देते हैं। अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अभी भी आप फोटो अपलोड कर एडिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं। अब हमें चलना है पे एग्जामिनेशन फीस पे। अगर आपको एक बार देखना है तो लॉगआउट करके फिर से फॉर्म पूरा देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको, प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। देखिए SBI, कोई भी मोड आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, पेमेंट, HDFC, मैं HDFC चूज कर लेता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए UPI भी दे रहा है, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको पे विथ HDFC, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिससे आप चाहें उस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ से UPI डाल देता हूँ। UPI डालने के बाद आपके मोबाइल पे, ये मैं अपना गूगल पे का लिंक डाला हूँ, तो मेरे गूगल पे पे आ जाएगा पेमेंट। देखिए मैंने गूगल पे लिया है, और यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए आया है UGC नेट। इस पे 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 क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको प्रोसीड टू पे, अपना जो भी UPI पिन आपका है अपना डाल दीजिए, और उसके बाद पे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा आ गया है डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, तुरंत ही हो गया है। इस पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक कर देंगे, और ये यहाँ PDF आपकी फाइनल प्रिंट आ जाएगी। ये देखिए पूरा प्रिंट आ गया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे भी चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो आपके नंबर पे OTP जाएगा, पहले कैप्चर कोड भर लेंगे। या फिर यहाँ से ऐसे मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो आपके पास OTP जाएगा, OTP डाल देंगे, फाइनल फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फिलहाल फॉर्म तो सबमिट हो ही चुका है, ये आपका सिर्फ नंबर जो है वेरीफाई करने के लिए है कि ये नंबर आप ही का है या नहीं, इसलिए जो है ये वेरीफाई करवाता है। देखिए वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आपको आना है होम पे, और अगर ईमेल करना है तो ईमेल भी वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको यहाँ पे करना होगा,
और फिर सेंड ओटीपी करना है, फिर आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। ईमेल के लिए आपको यहाँ से ईमेल खोलना क्या है, जो ईमेल आप लगाए हैं ईमेल में आपको ओटीपी डाल के इसको जो है वेरीफाई कर लेना है, फिर फाइनल प्रिंट पर करके आपको रख लेना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात, अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बगल में बेल आइकन जो बटन रहता है उसको भी दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आप पढ़ते रहिए और हम आपको समय समय पर नए नए वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपकी जो है पढ़ाई में हेल्प मिल सके।